गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है मटन चुक्का। ये केरला स्टाइल मटन चुक्का बहुत ही स्पाइसी और चटपटा रहता है। इसको आप घी राइस या फिर केरला पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए इसको बनाने का तरीका शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। इसमें मैं एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून सौंफ, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, थोड़ी सी दालचीनी और 3 लौंग। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 6 से 7 लाल मिर्च और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मीडियम प्याज और टमाटो कट कर लिए थे, तो ये तकरीबन 4 से 5 होंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर जो है हमारा, मटन गलाने के लिए रख रही हूँ। मैंने मटन को डाल दिया था बिना ऑयल के। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और हमारा टमाटो और ऑनियन। थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दें। तब तक हम हमारे भुने हुए मसालों को पीस लेंगे। फाइन पाउडर बना लिया है। करते हैं तड़के की तैयारी। थोड़ा सा ऑयल लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिल्ली और ढेर सारा करी लीव्स। मटन को आप 3 से 4 सीटियाँ लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसको एक कंटेनर में डाल लें और हमारा जो तड़का था उस लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ हमारे स्पाइसेस जो हमने ग्राइंड किए थे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकने के लिए रख दें। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और इससे अच्छी स्मेल आ रही है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे राइस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक ऑनियन कट कर लिया था, इसमें ऐड करके फ्राई कर लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ऑनियन को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। अब मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा कोरिएंडर, थोड़ा सा पुदीना। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी पानी और नमक 1.5 टीस्पून। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारे चावल। आप चाहे तो इसमें बासमती राइस भी यूज करते हो या फिर नॉर्मल राइस। चावल को थोड़ा हाई फ्लेम पे पका लीजिए। जब पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो धीमी आंच पे इसको दम करने के लिए छोड़ दें। हमारी रेसिपी बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।